नमस्कार, संगीतर्स किचन में आपका स्वागत है। तो जैसा आप देख रहे हैं, मेरे पास है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और मैं बनाने जा रही हूँ एक चटपटा स्नैक। तो ये है मेरे पास बेसन, और ये है मैदा, और ये है चावल का आटा। साथ में मैं डालूंगी हरा धनिया, बारीक कटी हुई प्याज, और ये है मेरे पास दरदरी करी हुई फ्रेश मटर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर के पकोड़े, बहुत ही बढ़िया, टेस्टी, लाजवाब, कुरकुरे। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। तो देखिए अब मैं क्या करूंगी, मैं इस बोल के अंदर डाल रही हूँ ये बेसन। हम एकदम करारे बढ़िया पकोड़े बनाएंगे। आलू के, पालक के तो आपने पकोड़े खाए होंगे, लेकिन ये मैं बनाने जा रही हूँ मटर के पकोड़े, तो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। ये मैंने डाल दी इसके अंदर ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा, और साथ में इसको कुरकुरा करने के लिए मैं डाल रही हूँ ये चावल का आटा। तीनों लाजवाब इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो देखिए अब मैं इसको इस तरह से मिला लूंगी। मिलाने के बाद मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, हल्दी थोड़ा सा कलर अच्छा आए, और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि मैं इसमें डालने जा रही हूँ ये हरी मिर्च। हरी मिर्च के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, और साथ में डालूंगी हींग। जब भी हम कोई पकौड़े बनाते हैं, हींग के बिना वो पकौड़े मजेदार नहीं लगते। तो ये देखिए, ये सब चीजों को मैंने ड्राई इस तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर जाएगी ये बारीक कटी हुई प्याज। तो देखिए ये प्याज भी मैंने इसमें मिला दी, और ये है मेरी दरदरी मटर। तो ये आज का मेन इंग्रेडिएंट है मटर, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं मटर के पकौड़े, और ये विंटर टाइम है, गरम गरम स्नैक्स हमको अच्छे भी लगते हैं, और साथ में फ्रेश मटर आजकल बहुत बढ़िया आ रही है। मैं ये सारे को एक बार मिलाऊंगी। आपको ये याद रखना है कि जो हमारा बैटर है वो थिक होना चाहिए, क्योंकि हम इसको अगर पतला करेंगे तो हमारे पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये धनिया पत्ती, और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, हमको ये बैटर थिक रखना है, क्योंकि पकौड़े तभी बढ़िया बनेंगे। साथ में आप देख रहे हैं मेरे पास है इनो सॉल्ट, जो मैं डालूंगी। आप मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, बट बेसिकली मुझे सोडा अच्छा नहीं लगता, तो मैं हमेशा इनो का इस्तेमाल करती हूँ। तो इसका रिएक्शन देंगे हम थोड़ा सा, एक बार ये बैटर बढ़िया सा तैयार हो जाए। तो अब स्टेज आ गई कि हम अपने हाथों का इस्तेमाल करें। वहां मैंने पैन में ऑयल गर्म होने रख दिया है। देखिए मैं डालने जा रही हूँ ये इनो सॉल्ट। इनो सॉल्ट थोड़ा ही हम डालेंगे, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी रिएक्शन के लिए। आप देख रहे हैं ये बबल्स उठ रहे हैं, और इसी टाइम पे मैं इसको एक बार और फेंटूंगी। तो देखिए बस इस तरह से उठाइए, और ये पकौड़ों की तरह से इसको तोड़ दीजिए। बहुत ही बढ़िया मटर के पकौड़े बनके होंगे तैयार। करारे भी बनेंगे और स्वादिष्ट, तो बहुत ही स्वादिष्ट। तो देखिए बस इस तरह से आप डालते जाइए जो भी स्पेस आपको दिख रही है, और इसको हमें तेज आंच पे ही बनाना होता है, नहीं तो ये तेल बहुत ज्यादा पी लेगा तो आपके पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो देखिए ये लाजवाब मटर के पकौड़े एकदम करारे हो गए तैयार, है ना, फटाफट बनने वाला स्नैक, और कितना इसमें बढ़िया स्वाद आएगा। तो मैं क्या करूंगी, इस तरह से इसको करके
और इस प्लेट के अंदर अभी रख दूंगी। हम अभी सर्विंग के लिए दूसरी प्लेट का इस्तेमाल करेंगे, बट जब तक थोड़ा सा ऑयल इसमें से ड्रेन हो जाएगा। तो देखिए थोड़े से मैं और बना लेती हूँ लाजवाब पकौड़े मटर के। एक बिल्कुल नई किस्म के पकौड़े जो शायद अभी आपने ट्राई नहीं करे होंगे, बट उम्मीद करते हैं इसको देखते ही आप इसको बनाएंगे और इंजॉय करेंगे। ये सर्दी का कड़क मौसम, गर्मा गर्म पकौड़े, चाय और सॉस या धनिये की चटनी। तो इस तरह से आप बनाते जाइए और इसका आनंद लीजिए। तो लेते हैं इसको करने के बाद। तो देखिए ये बिल्कुल करारे मटर के पकौड़े हो गए तैयार। तो मैं हमेशा इसको इस छन्नी में निकाल लेती हूँ। जब कढ़ाई बड़ी हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये स्मॉल क्वांटिटी में सिर्फ ऑयल ड्रेनिंग के काम आ जाती है। आप नीचे देख रहे होंगे प्लेट में थोड़ा थोड़ा ऑयल आ रहा है। तो एक मिनट के लिए मैं इसको ड्रेन करूंगी इस तरह से। और बस ये देखिए मैंने सॉस के साथ इसको लगा दिया और अब ये मेरे दूर से आवाज आप सुन सकते हैं कितने करारे और बढ़िया पकौड़े हुए हैं तैयार मटर के। तो डू एंजॉय दिस एंड डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक दिस इंस्टेंट स्नैक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग संगीतास किचन। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव दिस इनोवेटिव टेस्टी यमी डिलीशियस रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।